स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। तो अभी देखिए जोड़ेबाजी चल रही है, अंडे बच्चे अंडे पे बैठी हैं, कबूतरी ये ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, इसमें भी दिए थे अंडे तो ये फोड़ लिए इन्होंने। बाकी ये दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा बड़ा होगा एक छोटा है जैसे देख रहे हो। तो छोटे वाले का क्या है साहब, उसकी मादी उसको खिलाती नहीं है, मतलब कबूतरी जो है उसकी माँ उसको खिलाती नहीं है, दाना चुगना नहीं देती और बड़े वाले को खिलाती है। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है, जैसे आपने देखी होंगी और भी वीडियो बाकी यूट्यूब पे कि बच्चे को कैसे खिलाएं दाना। तो बाकी मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। जैसे कि देखें ये है, ये इसमें मैंने मक्के का आटा और आपका सत्तू और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करा है, और बाकी ये सिरिंज है, ये इंजेक्शन, ये तो मैंने लाया था डॉक्टर की दुकान से, तो ये तो मेडिकल से भी 5-10 रुपए का मिल जाता है। तो इसमें मैंने ट्यूब व्यूब नहीं लगाई क्योंकि वो मेरे पास थी नहीं, तो इसी से अभी हमने उसका पोटा फुल कर दिया है बच्चे का। तो अभी हम जाते टाइम और भी खिलाएंगे उसको इसी से। तो इस वीडियो में यही है बस कि बच्चे अगर कबूतर या कबूतरी भाग जाती है, बच्चों को चुग्गा नहीं देती है, तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा यही करना है कि आपको एक इंजेक्शन लाना है और इंजेक्शन से ही खिला देना है बस, और कुछ नहीं करना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस, और आराम से खिलाओ। वैसे तो 3 टाइम खिलाते हैं बच्चों को, लेकिन अपने पास अभी टाइम है नहीं, तो मैं एक टाइम खिला के चला जाता हूँ, फिर उसके बाद कबूतरी खिलाती है उसको। तो ये देखिए टुकड़ियाँ उड़ रही हैं हमारे इधर भी, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये आई कोलो की उड़ते रहते हैं सुबह के टाइम। तो आपको बस सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एक इंजेक्शन लेना है और आटे सत्तू वगैरह का घोल बनाना है गुनगुने पानी में, बस उसको ठंडा कर लें, ताकि कबूतर का जो नाजुक होते हैं बच्चे, इंसानों का हो चाहे किसी का भी हो, बच्चा नाजुक होता है, बस वो वैसे ही खिला देना। अभी मैं जाते टाइम उसको थोड़ा और खिला दूंगा। बाकी भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, और नए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाइयों। थैंक यू भाई।